सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सिंगल सिंपल वन लाइन क्वेश्चन, कांग्रेस ना होती तो क्या होता सर? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी और रिसर्च किताब लिखी, कांग्रेस ना होती तो क्या होता, और ये किताब आज बेस्ट सेलर हुई है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद लोग भी इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, इसलिए इसको लोगों ने बहुत सराहा है। आपने जो प्रश्न पूछा, आपने तो सिंगल लाइन में प्रश्न पूछा, आपने एक किताब में उसका जवाब दिया, लेकिन मैं पूरा जवाब देना चाहूँ तो शायद 5-6 खंड मुझे लिखने पड़ेंगे, इसलिए इसका एक लाइन में जवाब देना तो कठिन है। पर मैं इतना ही कहता हूँ, शायद कांग्रेस नहीं होती तो भारत का विभाजन नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो भारत में अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार की एक जो मालिका हमने देखी वो शायद नहीं होती। आतंकवाद और बाकी इस प्रकार की सारी जो चीज़ें हमको आज दिखाई पड़ती है वो नहीं होती, और जो विकसित भारत आज प्रधानमंत्री बना रहे हैं शायद अभी तक हम वो बना पाते। आज जिस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक आइडेंटिटी को हमें रीडिफाइन करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से उसको हम लोगों को वापस खोजना पड़ रहा है, शायद उस आइडेंटिटी को अभी तक हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके होते, जिस प्रकार से आज दुनिया हमारी सांस्कृतिक आइडेंटिटी को मान रही है, वो आज तक मान चुकी होती, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं होती तो ये जो हिस्टोरिकल गलतियां है 370 जैसी जिसको मोदी जी सुधार रहे हैं, ये गलतियां भी नहीं होती और एक सशक्त भारत आज तैयार होता, ऐसा मैं मानता हूं।